ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬರ್ತದೆ 120 ಬಿಜೆಪಿನೇ ಬರ್ತದೆ, 80-85ಕ್ಕ ದೈ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು 80 ಬಂದಿತ್ತಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ 20 ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಗೋವಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಂಗ ಆಗೋದು, ಗೋವಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಗೋವಾ ಕತೆ ಅದೇ ಯಾವ ನೇತ್ರ ಹಾಕದೆ ಒಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರ 85 ಮತ್ತೆ 20 ಜನ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುದನ. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀರಿ? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಲೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್, ನಾವು ವೇರ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ, ನಾವೇನು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಲ್ಲ. ನಾವು ಬಿ ಪ್ಲಾನನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಚುನಾವಣಾ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है. किस तरह से एक पूरा मामला पेश आता है देखिए, कैसे इंतखाबात नज़दीक रहते हैं, फिर इंतखाबात मुकम्मल भी हो जाते हैं, यूं कह लीजिए कि नतीजे भी आ जाते हैं, फिर भी इत्मीनान नहीं रहता. इस बात का जिक्र इसलिए करना पड़ रहा है कि आज फिर एक बार भाजपा कायद आर अशोक ने अपने बयान में कहा कि हम साधु नहीं हैं, हम सियासतदान हैं और हमारे पास प्लान बी भी मौजूद है. हमने इससे पहले भी देखा है कि भाजपा के पास साम दाम दंड भेद की राजनीति चलाई जाती है. किसी हाल में इख्तदार हासिल करना यही इनका मंशा रहता है. जहां एक तरफ आवाम अपने नज़रिए को, अपने आइडियोलॉजी को वोटिंग के जरिए साबित करना चाहती है और भाजपा को इख्तदार से बेदखल भी करना चाहती है, यह ख्वाहिश है आवाम की और फैसला वो ले भी चुकी है. लेकिन भाजपा है कि इसे कभी भी आवाम के एहसास जज्बात की कदर नहीं रही. लिहाजा एक बार फिर इसी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमारे पास प्लान भी मौजूद है. अब फिर से सोचने पर मजबूर कर देने वाला बयान कह सकते हैं. अच्छी खासी हुकूमतों को गिराकर अपनी हुकूमत बना लेना, अब भाजपा इसमें माहिर हो चुकी है. हमने गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पिछली मर्तबा कर्नाटक में भी ऑपरेशन कमल के जरिए इस नाटक को देखा है. अगर भाजपा 100 के करीब सीटों को जीत लेती है तो ऑपरेशन कमल के इम्कानात फिर से रोशन हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है. जेडीएस वैसे भी हमेशा महज किसी को सहारा देकर अपना मुफाद हासिल करने की फिराक में रहती है. भाजपा आए या कांग्रेस आए, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता. कुमारस्वामी कभी भाजपा कभी कांग्रेस की हिमायत की बात करते हुए देखा भी जाता है. अभी हाल ही में उन्होंने कहा है कि हमारी शर्तों को मानने वालों के साथ हमारा इत्तेहाद कायम हो सकता है. खैर, इन तमाम बातों के मायने तभी मुमकिन हो सकते हैं जब कांग्रेस अक्सरियत कुछ ही दूरी पर हो. तकरीबन ओपिनियन पोल कांग्रेस अक्सरियत से हुकूमत हासिल करने के कयास लगा रहे हैं. महज कुछ ही घंटे बाकी हैं, हो सकता है कि कांग्रेस अक्सरियत हासिल भी करे, पर क्या फिर से ऑपरेशन कमल हो पाएगा? अक्सरियत के बाद भी भाजपा कांग्रेस के उम्मीदवारों को खरीद कर हुकूमत बनाएगी, ऐसा लखन जारकीहोली ने हाल ही में कहा था. तो कुल मिलाकर भाजपा कांग्रेस को सुकून से हुकूमत बनाने नहीं देगी, ऐसा लग रहा है. अब इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है? उस कौम पर. अब उस कौम के बारे में भी बात करते हैं जो हमेशा इस मुल्क की सियासत का मरकज बनी हुई है, वो है मुस्लिम कौम. पर कांग्रेस ने भी जो बजरंग दल को लेकर ऐलान किया था, इसे भी बड़ा जरूरत वाला ऐलान कह सकते हैं. यकीनन कुछ फिरका परस्त सोच के हिंदुओं को इससे चोट पहुंची होगी, लेकिन मुस्लिम समाज ने पूरे कर्नाटक में मुत्तहिद होकर कांग्रेस को वोट किया और रिकॉर्ड ब्रेक 88% वोटिंग किया, यानी 100 में के 88 लोगों ने कांग्रेस को वोट किया. इसका फायदा भी हुआ. यकीनन सबसे ज्यादा निशाने पर मुल्क में मुसलमान ही हैं और अब सियासी मंजरनामा बदलता भी जा रहा है. कांग्रेस कर्नाटक में जीत दर्ज करती है और अक्सरियत से हुकूमत बनाती है. ऑपरेशन कमल नाकाम होता है तो मुल्क की सियासी दिशा बदल सकती है. पर जिस कदर दादागिरी और मनमानी कारोबार करने के भाजपा आदि हो चुकी है, फिर से खरीदो फरोख्त की राजनीति का इनकार नहीं किया जा सकता. जब गोकाक के MLC बिलाखौफ फिर 20 कांग्रेस के MLA को इस्तीफा देने के लिए लगाएंगे तो इस्तीफा देंगे और गोवा रिसोर्ट राजकारण का नाटक फिर से कर्नाटक में खेलने की बात कहते हैं तो किस इंतहा की गिरी हुई सियासत के लिए भाजपा या भाजपा हिमायती तैयार है, इसे समझने की जरूरत है. वैसे भी 2024-25 या 26 तक हिंदू राष्ट्र का ऐलान इससे पहले भी कई भाजपा या इन्हीं के जेर परस्ती परवरिश पाने वाले RSS बजरंग दल VHP ने खुले मंचों से किया है. एक अंदेशा तो ये भी जाहिर किया जा रहा है कि कुछ रियासतों में भाजपा जानबूझकर हार सकती है ताकि लोकसभा का बड़ा चुनाव फिर EVM के जरिए जीता जा सके. ये तमाम अटकलें हैं पर देखा जा रहा है कि ये कोई भी चुनाव भाजपा हारना ही नहीं चाहती. महाराष्ट्र से बेहतर मिसाल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी क्योंकि शिवसेना कैडर बेस्ड पार्टी है.
और इसे बाला साहब ठाकरे ने इसे वजूद बख्शा है। मराठी अस्मिता मराठियों के वजूद की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी के तौर पर शिवसेना को देखा जाता है। शिवसैनिक कभी भी लालच को बलि नहीं पड़ सकते, बड़े ही शिद्दत पसंद वगैरह कहा जाता था, लेकिन भाजपा ने वहां भी खरीदो फरोख्त के जरिए हुकूमत को गिराया। यहाँ तक कि शिवसेना का निशान तीर कमान तक उद्धव ठाकरे से छीन लिया गया। इसी तरह रमेश जारकीहोली ने 13 लोगों को अगवा कर कर्नाटक हुकूमत के 3-13 किए, नाटक को मुल्की सतह पर मशहूर कर दिया। इन तमाम सियासी नौटंकियों में बेचारा मुसलमान पीसता रहा, इसी उम्मीद से कि किसी तरह भाजपा को हराया जाएगा कहते हुए वोटों की बारिश कांग्रेस उम्मीदवारों पर करते रहे। फिर आखिर में फिर मायूसी ही हाथ लगती गई। बार बार सवाल यही जहन में आता है कि जीत तो गए पर बिक तो नहीं जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज ही बेबस नजर आता है। एक बार फिर मुसलमानों ने रिकॉर्ड ब्रेक वोटिंग कांग्रेस के हक में की, जबकि रियासत में 18 के करीब HDPI के उम्मीदवार भी बैठे हुए थे। यह मायम तो अवाम का भरोसा खोती नजर आ रही है, मतलब मुसलमानों की पार्टियां होते हुए भी लोग इस उम्मीद से कांग्रेस को वोट कर रहे हैं ताकि भाजपा किसी तरह इख्तदार से बेदखल हो जाए और मुल्क में फिर से अमन सुकून चैन कायम हो। मुसलमानों को जो दर्द तकलीफ अफसोस मुल्क के संविधान को लेकर है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तालीमात को लेकर है, शायद किसी और में नजर तो नहीं आ रही। और अगर आवाम वोट भाजपा के विरोध में कर भी रही है, और हम देख भी रहे हैं कि दलित भाइयों ने भी बहुत खुलकर भाजपा के विरोध में और कांग्रेस के हक में वोट किया है, तो सीधे MLA को ही खरीदा जा रहा है। क्या लोकतंत्र का मजाक नहीं है? और उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती जो खुलेआम ऑपरेशन कमल की धमकी देते रहते हैं? ऐसा कोई नया कानून क्यों नहीं बनाया जाता कि लोगों के जज्बात, उनके नजरिया, उनके आइडियोलॉजी का ही कोई उम्मीदवार सौदा कर आसानी से दूसरी पार्टी में चला जाए, पार्टी बदल ले? पार्टी का अपना नजरिया होता है, भाजपा फिरकापरस्त पार्टी है और मुसलमानों के मुखालिफ पार्टी है। मुसलमानों को लेकर जितना सितम इस पार्टी की जानिब से हुआ है, शायद किसी ने नहीं किया। ऐसा नहीं कि कांग्रेस दूध की धुली है, जुल्म तो उस हुकूमत में भी हुआ, पर अब तो मुसलमानों के वजूद पर ही सवालिया निशान है। लिहाजा सरकारी एजेंसियों का डर, EDIT या CD का डर, मुकदमे, जेल का डर, आखिर में करोड़ों रुपए तो वैसे भी मिल ही जाते हैं। फिर सोचो फिक्र या विचारधारा कोई मायने नहीं रखती, खासकर मुस्लिम समाज के साथ रियासत का वो तबका जो अमन सुकून की उम्मीद में है। कांग्रेस की हुकूमत आएगी तो फिर से भाईचारा कायम हो सकता है, महंगाई बेरोजगारी दूर हो सकती है, पर जिस तरह MLA को खरीदने की धमकी या फिर रिसोर्ट पॉलिटिक्स को हंसते हुए मजाकिया तौर पर बयान करना यकीनन सोचने पर मजबूर जरूर कर देता है, क्योंकि फिर एक बार इस तरह की घटिया सियासत कर्नाटक में कामयाब हो जाती है तो शायद मुल्क नफरत की आग में सुलग उठेगा। और अफरा तफरी की सियासत में कुछ लोग फायदे में जरूर होंगे, कुछ उस नफरत की आग पर अपनी रोटियां भी सेक लेंगे। हो सकता है कि इसी नफरत के कोहराम में हिंदू राष्ट्र का ऐलान भी हो जाए, लेकिन लोकतंत्र का जनाजा जरूर उठाया जाएगा। फिर इस मुल्क को तबाह होने से कोई बचा नहीं पाएगा। अवाम तो कमजोर है, वो अपना वोट किसी बदलाव के लिए तो डाल रही है, लेकिन जब मसनत पर बैठे हुक्मरानों को ही देश की फिक्र ना हो, तानाशाही का आगाज जरूर हो जाता है। अब भी वक्त है, देश को बचाया जा सकता है, आपके हाथ में है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।